दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सुप्रिंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस भर्ती 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल मेल एंड फीमेल भर्ती 2020 का रिजल्ट जारी किया गया है और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उनकी एक लिस्ट जारी करके उनको बता दिया गया है कि ये कैंडिडेट जो है शॉर्ट लिस्ट कर चुके हैं। साथ ही में आपका फाइनल स्कोर और रो स्कोर भी यहां पर जारी कर दिया गया है, आपको बता दिया गया है। अब जितने भी कैंडिडेट यहां पर फिजिकल के लिए एलिजिबल हुए हैं, 67,740 कैंडिडेट को यहां पर फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया गया है और इन कैंडिडेट के दिमाग में अब सिर्फ एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि इनके फिजिकल कब से होंगे। इसी के साथ में फ्रेंड्स, जब आपका 15 मार्च को आपका रिजल्ट जारी आया था, जब आपका 15 मार्च को रिजल्ट जारी किया गया था, उसी के साथ में 27 अप्रैल का एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि 27 अप्रैल से आपके फिजिकल कंडक्ट करवा जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अभी तक जो है इस बात पर मंथन बना हुआ है कि 27 अप्रैल को फिजिकल होंगे या नहीं होंगे, और आज जो है 17 तारीख हो चुकी है, सो फ्रेंड्स, सभी के दिमाग में ये चीज़ घूम रही है कि क्या मतलब 27 अप्रैल से फिजिकल होंगे या नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए, बड़ी खबर मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर के हूँ। ये जो है आखिरी बात रहेगी, इसके बाद में कोई भी जो है दिल्ली पुलिस फिजिकल से संबंधित वीडियो नहीं आएगी, और जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर निकल करके सामने आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम आप तक सबसे पहले पहुँचाने के लिए एक वीडियो और बनाएंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज यार, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही आने वाले घंटे के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। सो फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहले तो हम चलते हैं दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो फ्रेंड्स, देखिए, जैसा कि हम यहाँ पर दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद में आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपको रिक्रूटमेंट। अगर आप पोर्टल में जाओगे तो यहाँ पर आपको कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं कि SSC की तरफ से जो है दिल्ली पुलिस का सिर्फ एग्जाम लिया गया था। दिल्ली पुलिस का जो है SSC को जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर थे उनमें से कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करके दिल्ली पुलिस को सौंपना था और उन्होंने अपनी रिटर्न एग्जाम के आधार पर ये सारा काम कर दिया। तो अभी दिल्ली पुलिस का आपसे कोई भी SSC का आपसे कोई भी मतलब नहीं है, सारा काम मतलब आपको जो है दिल्ली पुलिस से और दिल्ली की पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपके सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर जारी किए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप RC सेल में कॉल करते हैं, रिक्रूटमेंट सेंटर में अगर आप कॉल करते हैं, तो वहां पर भी जो है आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं दी जाती है। वहाँ पर भी आपसे यही कहा जाता है कि 27 अप्रैल को ऑफिशियल डेट किसने घोषित किया, क्या हमने किया। तो देखिए, रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो है यहाँ पर कोई भी ऐसी तारीख जारी नहीं की गई है जिसमें ये बताया गया हो कि 27 अप्रैल से आपके जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया हो कि 27 अप्रैल से आपके फिजिकल कंडक्ट करवाए जाएंगे, क्योंकि आपको कहीं पर भी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आप किसी जैसे ये ग्राउंड्स की वीडियो लोग दिखा रहे हैं कि वजीराबाद ग्राउंड में जो है फिजिकल की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, इसी के साथ में जो अदर दो ग्राउंड है PTS कालान और ये जो ग्राउंड है इन पर जो है आपकी फिजिकल की तैयारी जोरों से चल रही है। सो फ्रेंड्स, देखिए, अगर आप वजीराबाद ग्राउंड को छोड़ के अगर दो अदर ग्राउंड पर जाते हो तो वहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, बस ऐसे ही एक दो तंबू से लगे हुए देख सकते हैं, बाकी आपको वहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप वजीराबाद ग्राउंड में जाओगे तो वहाँ पर आपको जो है कुछ हलचल देखने को मिलेगी। अब फ्रेंड्स, देखिए, वहाँ पर अगर जा करके आप किसी से पूछताछ करोगे कि ये हलचल क्यों हो रही है तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जो है प्रमोशनल ट्रेनिंग्स करवाई जा रही है। प्रमोशनल ट्रेनिंग्स का मतलब होता है कि फ्रेंड्स, जैसे किसी का जो है सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर पर प्रमोशन हुआ तो उसको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। इस तरीके की जो ट्रेनिंग्स होती है, जो प्रमोशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, वो वहाँ पर करवाई जा रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पर हलचल क्यों है, क्योंकि डेली के डेली जो है अभी मान लीजिए कि वाइट लाइन है, तो वाइट लाइन जो है एवरी डे मिट जाती है, तो उसे बनाने के लिए वहाँ पर कुछ लोगों की ज़रूरत होती है। साथ ही में वाटर टैंक वगैरह, मतलब जो पानी वानी की व्यवस्था करने के लिए, टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था करने के लिए, इस तरीके से जो है कुछ हलचल्स हैं। और फिर कुछ ऑफिसर्स भी होते हैं, कुछ ट्रेनिंग करवाने वाले भी होते हैं, और जो कैंडिडेट खुद ट्रेनिंग कर रहे हैं वो भी है, तो ऐसे में थोड़ी बहुत हलचल आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वजीराबाद ग्राउंड के लोग वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें आप लोगों को कन्फ्यूज किया जा रहा है कि हाँ यार, सच्ची में मतलब तैयारियाँ चल रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिकल के लिए ग्राउंड तैयार करने में सिर्फ 2 दिन लगते हैं, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए,
अगर आप रिक्रूटमेंट सेल में कॉल करेंगे, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाकर के आप रिक्रूटमेंट सेल के नंबर ले सकते हैं और कॉल करके बात कर सकते हैं। सो अभी मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि 27 तारीख कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं है, और अगर 27 तारीख के फिजिकल्स की बात कर ले तो 27 तारीख को आपके 100% फिजिकल्स नहीं होंगे, क्योंकि अगर फिजिकल होने होते तो अब तक जो है आपको कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर जो है किसी भी आधार पर आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, आपके एडमिट कार्ड से जो है रिलीज कर दिए जाते हैं। अभी हम देखिए फिजिकल का नोटिफिकेशन कैसे रिलीज होता है, नोटिफिकेशन जो है आधा मतलब जो आपके ये जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो इसमें जो है आपके क्या कितने परसेंट चांसेस बन रहे हैं कि आपका जो है फिजिकल कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। अभी बोर्ड ऐसा तो नहीं चाहेगा कि आपको जो है एक बार नोटिस जारी कर दे उसके बाद में उसको नोटिस दोबारा लेना पड़े, तो ऐसे में जो है फिजिकल्स के हालात को देखते हुए कि हाँ भाई मतलब इस टाइम पर फिजिकल करवाना पॉसिबल है या नहीं है, तो ऐसे हालातों को देखते हुए जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। और अभी कोई भी ऐसा हालात नहीं लग रहा है जिसमें कि फिजिकल कंडक्ट करवाए जा सकते, तो 27 अप्रैल से तो आपके फिजिकल नहीं होंगे। हाँ ऐसा कह सकते हैं कि मई के मिड में या फिर मई के लास्ट में आपके फिजिकल्स कंडक्ट करवा दिए जाए। अभी देखिए फ्रेंड्स ये हो गई हमारी बात, अभी इसके बाद में हम बात करते हैं कि आपकी जो यहाँ पर जो आपका फिजिकल्स हैं वो कब तक करवाए जाएंगे, ये हमने बात करी ली कि आपके जो है लास्ट मई तक जो है आपके फिजिकल्स या फिर मई के मंथ में आपके फिजिकल्स कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स कि जो नोटिफिकेशंस रिलीज हुए थे, आपने 3-4 नोटिफिकेशंस देखे होंगे जिनमें लिखा हुआ था कि 27 अप्रैल से फिजिकल होंगे, या फिर मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देखी होगी, कई नोटिस जारी हुए थे, मीटिंग्स के भी नोटिस जारी हुए थे। सो ऐसे में फ्रेंड्स वो नोटिस थे वो एकदम से रियल नोटिस थे, उनमें से कोई भी एक फेक नोटिस नहीं था। लेकिन अभी मैं आपको बता दूँ कि क्या तरीका था कि उसमें जो है दिल्ली पुलिस से संबंधित जो बातें की जा रही थी कि हाँ दिल्ली पुलिस के फिजिकल्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, लेकिन कैसे करवाएं, कितनी तारीख को जो है ये फिजिकल्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो वहाँ पर जो है एक 27 तारीख को फिक्स किया था कि 27 तारीख को हम फिजिकल करवा लेते हैं। लेकिन ये कोई भी एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये जो तारीख थी ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो कमिश्नर लोग थे या फिर कोई अधिकारी लोग थे उनके बीच की तारीख थी कि हाँ इतने तारीख से फिजिकल्स हम करवा लेते हैं। ये मतलब पक्का नहीं था कि हाँ 27 तारीख से फिजिकल फिक्स कर दिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी करके 27 तारीख को फिक्स नहीं किया था। तो ये तारीख जो है सिर्फ और सिर्फ एक मतलब आधिकारिक तारीख थी, जो अधिकारियों के बीच की तारीख थी, ना कि कैंडिडेट के बीच की। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, अपनी तैयारी मेहनत से कीजिए, मतलब प्रिपरेशन कीजिए अपनी बहुत बढ़िया तरीके से, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और मैं 101% कहूँगा कि आप अगर मेहनत से काम करेंगे, लगन से करेंगे अपनी फिजिकल की तैयारी, तो आपका 101% श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपको देंगे दिल्ली पुलिस से संबंधित कट ऑफ के बारे में, जो कि हम करीब 5000 प्लस कैंडिडेट का सर्वे करके जो है कट ऑफ की वीडियो ला रहे हैं। सो वीडियो को जरूर देखना। सो चलिए फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो प्लीज यार लाइक कर दीजिएगा, कट ऑफ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही आने वाले घंटे के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच रहे। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।